खबर हो रही है उत्तर प्रदेश से है। शहर में जिला न्यायालय के पास किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने आज कार्य से विरत होकर न्यायालय के मुख्य गेट पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के साथ ही नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने शीघ्र ही शहर में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना न होने पर आगे भी चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की। प्राइम वीकेंड न्यूज चैनल के लिए अश्विनी सिंह और यह उत्तर प्रदेश। अधिवक्ताओं ने आंदोलन किया है सर, क्या कारण रहा, क्या कोई मांग है? मांग है उसमें जुवेनाइल कोर्ट जो कपूर में चल रही है, उससे हम लोगों को वहाँ जाने में काफ़ी परेशानी होती, ना बैठने की जगह है ना खड़े होने की जगह है। वो कोर्ट को यहीं ब्लाक में बता रहे, जगह PWD खाली पड़ी है। DM साहब से वार्ता हुई हमारे पदाधिकारी होगी, फिर भी उसका कोई ध्यान नहीं दे रहे। ना पानी पीने की व्यवस्था है, कुछ नहीं है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना कुछ शिकायत करने के लिए। जो यहाँ सीनियर काउंसिल्स हैं जिनके 15-15 मुकदमे यहाँ लगे हुए हैं, सारा दिन बर्बाद हो जाता है। माने पूरा हम लोगों का जो काम है पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाता है। ऐसे लगता है कि एक मुकदमे के लिए 10 मुकदमे या तो हम यहाँ छोड़ दें या फिर केवल जुवेनाइल करें, और कोई व्यवस्था वहाँ नहीं बैठती। क्या जिलाधिकारी ने आपकी मांग पर कोई विचार करने का निर्णय लिया है? जानकारी मिली है कि उन्होंने 4 या 5 दिन का समय मांगा है कि हम 4 या 5 दिन में कोई व्यवस्था जरूर करें। इसके पहले भी जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, हाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो कुछ निर्णय ले पाएंगे? अगर नहीं लेते हैं 4 या 5 दिन में तो कोई अग्रिम इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा, हड़ताल ही रखी जाएगी। हड़ताल रहेगी हम लोगों की।